हेलो, गुड मॉर्निंग माय और डियर स्टूडेंट. माय सेल्फ अश्विनी श्रीवास्तव. जैसा कि आप मेरा नाम जानते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस भी मेरे देखे ही होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा. ठीक है, तो आज हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो न्यू सेशन रहने वाला है, जैसा कि आपको लिखा हुए से यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ये आपका गेट का क्रैश कोर्स है. ये क्रैश कोर्स में हमने क्या रखा, ये 10 डेज में रिवीजन क्लासेस रखी हैं, जितनी भी आपको यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा, जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह जाए. ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट. तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के जो भी सिलेबस है, थ्योरी ऑफ मशीन का यहाँ पे जो भी सिलेबस है, उसको बेटा हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, क्रश कोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप तक इजीली क्या हो जाए, फाइंड हो जाए, आप तक क्या हो जाए, रीच हो जाए, पहुंच जाए. क्लियर? तो ये हमारा सेशन 1 है. इसी तरीके हम सेशन 2, सेशन 3 देते रहेंगे, और जल्दी ही हम बेटा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका लाइव सेशन भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पर. क्लियर? तो हमारा जो सेशन है, आपको पता ही चल गया है, जैसा कि टॉपिक यहाँ पे आपको सामने शो भी हो रहा होगा, ये आपकी रिवीजन क्लास है. किसकी? प्लेनर मैकेनिज्म की. तो फर्स्ट टॉपिक आपका, जैसा कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक क्या है आपका, प्लेनर मैकेनिज्म. ठीक है, ये आपका सेशन 1 है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. इसी तरीके से वो सेशन 2, सेशन 3 रोज अपडेट मिलते रहेंगे. और मेरा नाम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अश्विनी श्रीवास्तव है, और काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे अनअकेडमी पे भी देखा होगा, तो आप अनअकेडमी पर भी मेरी क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस वीडियोज हैं, वहां भी आप मुझे देख सकते हैं, लाइव में भी आप देख सकते हैं, ये आप कि जैसे भी आपको फॉलो करना है वो आप कर सकती हो. और जिस किसी भी स्टूडेंट को मुझे ज्वाइन करना है, जो भी डाउट है, रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन है, डिस्कशन है, वो आप गेट के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. और टेलीग्राम पे जो मेरा ग्रुप है, वो आपको गेट मैकेनिकल एग्जाम टाइम से बेटा मिल जाएगा. इसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए. ज्वाइन करने से आपको क्या हो जाएगा, फायदा मिल जाएगा. और बेटा एक चीज, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें अपने सभी स्टूडेंट में, कि ये वहां तक भी आपका क्या सके, पहुंच सके, और सभी स्टूडेंट को क्या मिल सके, इससे वीडियो से आपका हेल्प मिल सके गेट एग्जाम में. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना सेशन क्या करने आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं आज का. क्लियर? तो जो हमारा सेशन है, सेशन में जैसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर काइनेमेटिक लिंक. ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि ये आपका टोटल हिंदी में क्लास नहीं होगा, टोटल इंग्लिश में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ ये आपका बाई लैंग्वेज हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, जिससे क्या हो, ये काफी सभी से स्टूडेंट्स को क्या हो सके, हेल्प मिल सके. क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप इंग्लिश में ले लीजिए, फिर कुछ कहते हैं मैम आप हिंदी में ले लीजिए. तो बेटा ये चीज थोड़ा सा, चलिए हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन अभी आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाई लैंग्वेज ही लेकर चलेंगे. ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेनर मैकेनिज्म. प्लेनर मैकेनिज्म में फर्स्ट आई डिस्कस काइनेमेटिक लिंक. ठीक है, क्या पता होना चाहिए आपको, काइनेमेटिक लिंक, और इसको क्या कहते हैं, हम टाइप ऑफ लिंक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक लिंक के बारे में हम बात करते हैं कि काइनेमेटिक लिंक आपके क्या होते हैं. क्लियर? तो काइनेमेटिक लिंक इज नथिंग, इट इज ए ओनली वन लिंक विच हैव द टू एंड्स, विच हैव टू एंड्स एंड विच कैपेबल ट्रांसमिटेड मोशन फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक. मीन्स आप क्या कह सकते हैं, एक ऐसी लिंक आपकी जिसकी क्या होती है, टू एंड हो सकते हैं, वो क्या होती है, वो कैपेबल होती है, जिसे कह सकते हैं कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग मोशन वन लिंक टू अनदर लिंक. ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिंक के बारे में पता चल गया कि लिंक क्या होती है, कि इस तरीके की अभी फिक्स लिंक होगी, वो क्या करेगी, आपके मोशन को ट्रांसमिट करेगी. अब आपके जो मोशन हो सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो जो ये मोशन है बेटा, ये टर्म यहाँ पे जो मोशन यूज किया गया है, मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं आपके, वेरियस टाइप हो सकते हैं. जैसे हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, रोटरी मोशन की बात करते हैं, स्लाइडिंग मोशन की बात करते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन और रोटेशन प्लस स्लाइडिंग, तो इस टाइप के जो वेरियस मोशन है उनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. फर्स्ट चीज, थिंग इज क्लियर नाउ? क्लियर? तो एक क्लियर हो गया, तो आप एक लाइक इसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा. अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ लिंक्स की, हमारी जो लिंक्स हैं वो कितने टाइप की हैं. ठीक है, हमने काइनेमेटिक लिंक की बात करी, अब काइनेमेटिक लिंक के भी क्या होने चाहिए, हमारे टाइप्स होने चाहिए. तो टाइप में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपके टू टाइप्स की आती है. फर्स्ट आती है आपकी लिंक की बात करते हैं, फर्स्ट इज रिजिड लिंक. दिस इज अ रिजिड लिंक ले लेते हैं, फर्स्ट रिजिड लिंक होती है. एंड सेकेंड वन इज रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट बॉडी, या रेजिस्टेंट लिंक कह लो, या रेजिस्टेंस बॉडी कह लो, रिजिड बॉडी, और इसको भी हम कहते हैं रेजिस्टेंट लिंक या
इसे बॉडी, बहुत सारी बुक्स में आपको ये बॉडी होगा, कहीं लिंक होगा, तो डजेंट मैटर कि आपको क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीजें मेंशन की जाएंगी कि जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज होता है कि वॉट इज अ रिजिड बॉडी, रिजिड लिंक, रेजिस्टेंट बॉडी या रेजिस्टेंट लिंक। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, सपोज दिस इज योर रिजिड बॉडी, आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसमें आप सपोज कर लीजिए वही दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं इस बॉडी की शेप के अंदर। तो ये तो बॉडी की शेप के अंदर जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में एक डिस्टेंस होगी, अगर हम डिस्टेंस डी की बात करें तो इस इसमें क्या होगा, नो डिफॉर्मेशन होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या कहता है ये, नो डिफॉर्मेशन, इसके बीच में क्या नहीं होगा बेटा आपका, डिफॉर्मेशन नहीं होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, नो डिफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड digit link and digit body. Are you understand, my dear student? Clear? Second one is what is a resistant body? Resistant body इसी को कह सकते हैं और flexible body भी कह सकते हैं. Flexible body behave करती है. Flexible body behave as a rigid. Behave as rigid body which fulfilling the purpose. Which Fulfilling the purpose. Clear? जो आपके पर्पस को क्या करे, फुलफिल करती है, जो हम लोग जितनी भी, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे हम पर्पस अपने कोई अगर हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल की, तो हमारी जैसे बेल्ट हो गई, चेन हो गई, रोप हो गई, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं यहाँ पे, आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बेल्ट, ठीक है, रोप, क्लियर, सेकेंड आपकी चेन ड्राइव हो गई, तो इस टाइप के जो भी आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे वो किस में आएंगे, रेजिस्टेंट लिंक्स या बॉडीज में आ जाएंगे। अगर बेटा हम यहाँ पे लिंक की बात करें, रिजिड लिंक, तो रिजिड लिंक के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बताइए जरा, आप ही लोग बताएंगे रिजिड लिंक के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो बेटा क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपकी क्रैंक आ जाती है आईसी इंजन की, ठीक है, क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया आपका, स्लाइडर हो गया, स्लाइडर, एंड नेक्स्ट वन इज फ्लाईव्हील, एंड फ्लाईव्हील एटसेट्रा विल बी एज अ रिजिड लिंक। इन दिस एनी बॉडी विच हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स, बट इन दिस डिफरेंट पॉइंट डिस्टेंस हैव नो डिफॉर्मेशन। क्लियर? डिस्टेंस के बीच में क्या होगा, यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बस आपको इतना ही याद रखना है, और इसी के बिहाफ पे आपके गेट में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर? इसी के बिहाफ पे क्या होंगे बेटा, आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, एक होती है आपकी हाइड्रोलिक लिंक, अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे एक जगह और लिख देते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लिंक, ठीक है, इसको जरा हम दूसरा कलर ले लें, नहीं तो आप ही लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये ग्रीन में है, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करते, दूर कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपकी क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर बेटा, हाइड्रोलिक लिंक, हाइड्रोलिक लिंक आप सभी जानते हैं, और इसे क्या कहते हैं दूसरा ना, फ्लूइड लिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड लिंक भी कहते हैं। तो हाइड्रोलिक लिंक, फ्लूइड लिंक सेम बात है। तो जो आपका लिंक एक्ट एज ए कंप्रेशन करे, मतलब ऐसी लिंक जिसमें सिर्फ कंप्रेशन हो, टेंशन नहीं हो, तो What is a hydraulic link? Hydraulic link is nothing. It is the only link in which only we have compression. Nothing more than compression. Tension? No. इसमें क्या होगा? Only compression करेगा. Means only compression in body. Means आपका क्या होगा? Only compression होगा body में. No क्या होगा? Tension. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक important piece. No टेंशन, मीन्स ऐसी बॉडी जिसमें टेंशन नहीं होगा, ओनली कंप्रेशन होगा, वो आपकी हाइड्रोलिक लिंक कहलाएगी। जैसे आपके हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं, हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, ये सब आपके क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर एग्जांपल्स हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन क्यों मैंने लिखी है बेटा आपके लिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो कहाँ आती है आपके गेट में, आपके ऑब्जेक्टिव में, एक नंबर में पूछ ली जाती है। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट आपके आपके काइनामेटिक पेयर्स। What is a kinematic pair? Kinematic pair क्या होते हैं जरा बताएंगे आप लोग, ठीक है? Kinematic pair क्या होते हैं? Any connection between a two link. क्या कहता है? Any connection. Definition अगर हम देख लें, any connection between two link. Clear? Two link is always joint or pair. Is always क्या होगा आपका? उसको कहेंगे is always joint and pair. क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी बेटा, क्लियर, कि ऐसे अगर हम कोई लिंक ले लें, मतलब कोई भी लिंक अगर हम लेते हैं, लिंक वन हो गया, दिस इज लिंक वन, दिस इज लिंक टू, इसको आप क्या कर देंगे, अगर ज्वाइंट कर देते हैं तो ये आपका जो ज्वाइंट है, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट। और ये क्या करे, अब ज्वाइंट हो गया तो ये काइनेमेटिक पेयर हो सकता है, कह सकते हैं। किस कंडीशन में कहेंगे, कंडीशन क्या होगी, रिलेटिव मोशन शुड बी कंस्टेंट मोशन हो। तो क्या होगा, इसमें जो रिलेटिव मोशन होगा, अगर इस लिंक की बात करें, इस लिंक में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें इस लिंक में इस डायरेक्शन मोशन चल रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में मोशन चल रहा है, तो मोशन जो होगा यहाँ पे, अगर हम मोशन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड क्या होगा, मोशन मोशन विल बी क्या होगा आपका, कंस्ट्रेंट। मोशन विल बी कैसा होना चाहिए आपका, कंस्ट्रेंट होना चाहिए। अगर आपका मोशन कंस्ट्रेंट मोशन है, कौन सा मोशन, इसको हम कह सकते हैं मोशन। और ये मोशन आपका कौन सा होगा बेटा, रिलेटिव मोशन। तो ये क्या, रिलेटिव मोशन विल बी कंस्टेंट। इट मींस यू हैव अ टू लिंक, अगर आपके पास में क्या है, दो लिंक है, और दोनों लिंक में क्या हो, दोनों ज्वाइंटेड हो, तो ज्वाइंट होने के बाद में क्या कहता है कि वो पेयर हो, और पेयर होने के साथ कंडीशन क्या कहता है कि वो कैसा मोशन दे आपका, रिलेटिव मोशन जो हो रही है उनके बीच में, वो कैसे होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट मोशन होनी चाहिए। अगर मोशन कंस्ट्रेंट है तो वो पेयर आपका कहलाएगा काइनेमेटिक पेयर, नहीं तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा आपका, ज्वाइंट पेयर्स कहलाएंगे, या किसी भी लिंक का पेयर आप उसको कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आपको ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको माइंड में, कैसे जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मोशन कहना होता है कंस्ट्रेंट मोशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं हम, कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्टेंट मोशन होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए बॉडी में आपका, मतलब जो लिंक्स हैं, यूनिक मोशन, इसी को कहते हैं हम लोग यूनिक मोशन, यूनिक मोशन। एंड थर्ड इज प्री डिटरमाइंड मोशन, ऑल्सो कॉल्ड प्री डिटरमाइंड मोशन। क्लियर। एंड ऑल्सो कॉल्ड डिजायर मोशन, ऑल्सो कॉल्ड डिजायर मोशन। इट मीन्स यू कैन सी इजीली कि एनी लिंक विच आर ज्वाइन बाय पेयर देन जनरेट मोशन इज कंस्टेंट मोशन, यूनिक मोशन एंड प्रीडिटर्मिन्ड मोशन एंड डिजायर्ड मोशन। इनमें से आपका कोई भी मोशन हो सकता है, ये सब एक ही नाम है, या तो कंस्टेंट के नाम से पूछ सकता है बेटा आपसे, या यूनिक के नाम से पूछ सकता है, या प्रीडिटर्मिन्ड मोशन या डिजायर मोशन के नाम से पूछ सकता है। तो ये बेटा आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बिहाफ ऑफ गेट एग्जामिनेशन। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी बहुत बार होगा, तो यहाँ पे हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है आपका, क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन आता है, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस होता है, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट मोशन होता है, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्या होता है आपका, अगर हम बात करें और आपके जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन हो गया, तो ये आपके कुछ क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम बस थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको एक लेआउट डायग्राम्स बता देंगे, जिससे आपको क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बेटा। तो क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है, कई टाइप से होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कई टाइप से होगा, हम यहाँ लिख भी देते हैं, चलिए आप ही को हेल्प हो जाएगा। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, अगर हम पहला बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, आपका सबसे पहले हम किस पे करेंगे, रिलेटिव मोशन के बिहाफ पे होना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव मोशन के बिहाफ पे कौन कौन से आपके पेयर जनरेट हो जाते हैं, या मोशन हो जाए, पेयर होते हैं, अगर हम बात करें रिलेटिव मोशन के पेयर्स में, तो पहला आता है आपका, इसको हम ए लिख देते हैं, या दिस इज ए एंड दिस वन पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पेयर, दिस इज कॉल्ड टर्निंग पेयर। और इसी को दूसरा क्या कहते हैं हम लोग, रिवोल्यूट पेयर, या इसको क्या कहेंगे हम लोग, पिन ज्वाइंट। ठीक है, कॉल्ड रिवोल्यूट पेयर भी इसे कहते हैं हम लोग, रिवेल्यूट पेयर बच्चा। नेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड पिन ज्वाइंट, ऑल्सो कॉल्ड पिन ज्वाइंट। क्लियर। सेकेंड यू कैन से स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर कहेंगे से, या आप क्या कह सकते हैं इसको, प्रीमेटिक पेयर, और क्या कह सकते हैं इसको, प्रीमेटिक पेयर। ठीक है, थर्ड इसको क्या कहोगे बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड कौन सा होता है, रोलिंग पेयर, ये तो आपको मालूम ही है, सब लोग हम बार बार सिलेबस लिखा दे रहे हैं रिवीजन के तौर पे, रोलिंग पेयर। देन दिस इज योर स्क्रू पेयर, स्क्रू पेयर। एंड फाइव वन इज स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर। क्लियर। सो फर्स्ट थिंग, अब इसमें देख लीजिए हम आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के भी आप पे इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपकी क्या होती है, एग्जाम्स में पूछ ही ली जाती है। देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ टर्निंग पेयर सभी को मालूम है, तो टर्निंग में क्या होती है, जब भी आपको पूछेगा रिवोल्यूट पेयर या आपको पिन ज्वाइंट, वो टर्निंग पेयर, इसमें क्या होती है आपकी, प्योर टर्निंग होती है, प्योर
क्या होगी आपकी टर्निंग, इन दिस प्योर टर्निंग, ठीक है। स्लाइडिंग में क्या होगा आपका, प्योर स्लाइडिंग, ये तो सभी को पता है, आप लोग बहुत पढ़ते हैं भैया रिविजन कहे तो। रोलिंग में क्या होगा आपका, अब आपकी जो रोलिंग होती है इसमें प्योर रोलिंग एक टर्म आता है और एक होता है रोलिंग, तो प्योर रोलिंग में क्या होगा कि आपका प्योर रोलिंग, ठीक है। और देखो रोलिंग पे, प्योर रोलिंग में होगा कि एक ही पॉइंट के अबाउट क्या हो, बॉडी आपकी मूव करे लेकिन आगे बढ़े नहीं, मतलब इस एक्सिस को अगर फिक्स एक्सिस कर रहे हैं और आपका कोई स्पेयर है इस पर रोटेट नहीं करेगा, इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, वो आपका रोटेशन देता रहेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। बट ये क्योंकि एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि ये इसी पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, देन आगे क्या करता है, स्लाइड भी करता जा रहा है, इसके पॉइंट्स क्या हो रहा है, चेंज भी करते जा रहे हैं इस तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड आल्सो रोलिंग। बट इसमें क्या हो रहा है, रोलिंग प्लस स्लाइडिंग हो रहा है, इन दिस ओनली क्या हो रही है आपकी प्योर रोलिंग, दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, दिस इज कॉल्ड रोलिंग, रोलिंग और प्योर रोलिंग सभी को क्लियर हो गया होगा। स्क्रू पे, स्क्रू पे में क्या होता है आपका कि आपकी स्लाइडिंग होती है, ऑब्जेक्ट में क्या होती है आपकी स्लाइडिंग होती है, अगर हम स्लाइडिंग की बात करें, स्लाइडिंग ऑन द स्क्रू, स्क्रू के ऊपर क्या करोगे आप एक स्लाइड करोगे, सपोज दिस इज योर स्क्रू, ये आपका स्क्रू हो गया और इसके ऊपर आप क्या करोगे ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड करेंगे। अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दिस इज योर स्क्रू हो गया और ये इसके ऊपर एक आपने नट ले लिया, कुछ इस टाइप से नट ले लिया, ये नट आपका क्या रहेगा इसमें रोटेट होते हुए आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के इसके ऊपर क्या कराएंगे ट्रू एंड फो क्या कराएंगे इसको स्लाइड कराएंगे, दिस इज योर स्लाइडिंग। स्फेरिकल आपको पता ही है जॉय सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है, क्या होता है जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जॉय सॉकेट होता है, ठीक है जॉय सॉकेट ज्वाइंट होता है, ठीक है इस तरीके से आपका स्फेयर होगा, ठीक है और ये क्या होगा किसी फेस में होगा और ये क्या करेगा आपका मूव करेगा, तो ये हो गया आपका कौन सा स्फेरिकल पेयर हो गया। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर हम बात करते हैं, किसके बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर हम कॉन्टेक्ट की में बात कर ले तो कॉन्टेक्ट में आप लोग जैसे जानते होंगे कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस में, कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लोअर पेयर फर्स्ट, हायर पेयर एंड थर्ड रैपिंग पेयर होता है, क्लियर। जो रैपिंग पेयर देखो जैसे लोअर पेयर आपको मालूम है इसमें सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस कॉन्टेक्ट हो जाएगा, हायर पेयर में क्या हो जाएगा आपका पॉइंट कॉन्टेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब अगर हम बात करें रैपिंग, रैपिंग पेयर की बात करें तो इसमें क्या होती है, अब ये इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो पूछेगा, वही तो पूछेगा नहीं तो आपको निकालने के लिए पॉइंट आउट करने के लिए क्वेश्चन में दे देगा। तो रैपिंग इसमें क्या होती है, रैपिंग पेयर में क्या होता है, वन लिंक आपकी रिजिड होती है, वन लिंक फ्लेक्सिबल होती है, तो यहां लिख सकते हैं हम वन लिंक रिजिड, वन लिंक रिजिड एंड वन लिंक फ्लेक्सिबल, तो एक लिंक आपकी फ्लेक्सिबल होगी मैकेनिज्म में और एक लिंक क्या होगी आपकी रिजिड होगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका रैपिंग कहलाएगा, क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो आपके लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टेंट मोशन, ठीक है बेसिस ऑफ, अगर हम यहाँ करें बेसिस ऑफ कंस्टेंट, कंस्टेंट मोशन की बात करते हैं, अब कंस्टेंट मोशन पे अगर हम ले लेते हैं तो क्या होता है आपका, एक होता है आपका क्लोज्ड पेयर, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज योर क्लोज्ड पेयर एंड नेक्स्ट इज हायर पेयर, क्लोज पेयर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका हायर, सॉरी क्लोज पेयर और ओपन पेयर, ओपन पेयर, क्लियर। तो क्लोज पेयर क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ होता है या परमानेंट होता है, तो ऑल क्लोज पेयर कौन से होते हैं, अगर बात करें ऑल लोअर पेयर एंड हायर पेयर आर क्लोज पेयर, क्लियर। ऑल कौन से हो जाएंगे आपके, अगर बात करें ऑल क्लोज पेयर क्या होते हैं, लोअर पेयर होते हैं एंड आपके क्या होते हैं हायर पेयर होते हैं, क्लियर। यहाँ पर सभी को क्लियर हो गया, और आपके क्या होते हैं ओपन पेयर कौन से होते हैं, जैसे कि जिसे हम क्लोज पेयर भी कहते हैं, हायर पेयर के एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाए ओपन पेयर के या फोर्स पेयर के एग्जांपल हो जाएंगे आपके, क्या हायर पेयर इन कैमन फॉलोवर, ऑटोमोबाइल डोर्स हो गया, क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस टाइप के आप क्या कर सकते हैं एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर सभी को यहाँ पर बेटा, सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या आपके लिए गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रैपिंग की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, जो आपका रैपिंग होता है वो क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है तो यहाँ पे आप रैपिंग की बात कर लेंगे, ठीक है यहाँ पर आपको किसकी बात करनी है, स्क्रू के बारे में पूछ रहा है वो स्क्रू के बारे में डिस्कस, ये आपको सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे, जैसे कि हमने बताया कि हम क्रश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, अब हमें किस पे बात करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन पे लेते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिफरेंट रिलेटिव मोशन, फर्स्ट थिंग इज कॉन्स्टेंट मोशन, कॉन्स्टेंट मोशन
तभी वो काइनामेटिक लिंक होगा, अदरवाइज वो काइनामेटिक होगा ही नहीं। जैसे कि हम फर्स्ट स्टार्टिंग में बता चुके हैं आपको कंस्टेंट मोशन। सेकंड क्या कहता है आपको, कौन सा मोशन होगा अगर सेकंड की बात करें, सेकंड इज सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन ले लेते हैं। थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके कंस्टेंट मोशन हो गया सीसी, ठीक है, सिंपल कंस्टेंट मोशन हो गया एससीएम, और दिस इज योर इनकम्प्लीट मोशन हो गया। तो अब कंस्टेंट मोशन में क्या होता है कि अगर हम किसी ब्लॉक को ले लें, दिस इज योर ब्लॉक, इसमें क्या करा आपने, बीच में खोल कर दिया, और इसमें आपने क्या करा किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया। जब ऑब्जेक्ट मूव कराया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ओनली ट्रांसलेट करेगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको रिवेटेड कर दिया। एंड पॉइंट पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे आपने रिवेटेड कर दिया, तो ये क्या करेगा ओनली स्लाइड करेगा। यानी कि एक टाइम पे आपको क्या मिल रहा है, एक ही मोशन, यानी कि वन इनपुट, इसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बताएं आपको, तो यहाँ पे कहता है वन इनपुट, यहाँ पे इनपुट क्या है, एक ही इनपुट है, और आउटपुट भी क्या मिलेगा, एक ही आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलता है, दिस इज कॉल्ड कंस्टेंट मोशन। प्लीज नेक्स्ट क्या था, सक्सेसफुली कंस्टेंट। सक्सेसफुली कंस्टेंट में क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लो आप, सीरीज ले लो, फुट स्टेप बेयरिंग ले लो, तो कुछ भी आपके सक्सेसफुली हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि बात कर लेते हैं आपको फुट स्टेप बेयरिंग की ले लेते हैं, दिस इज अ फुट स्टेप बेयरिंग, ठीक है। फुट स्टेप बेयरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये शाफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर आप क्या करेंगे कोई लोड अप्लाई करेंगे, लोड जैसे ही आपने अप्लाई किया ये क्या करेगी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब देखो इसके जरा हम कलर चेंज करके यहाँ पे आपको बता देते हैं कौन कौन से मोशन हो सकते हैं। जैसे ही आपने लोड एक इनपुट दिया, दिस इज वन इनपुट, दिस इज योर सेकंड, ये क्या करेगी आपकी रोटेट करेगी, और क्या होगा देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो अब क्या होगा, इसका ऑप्शन ही ये कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है, ये ऐसा नहीं किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाए, बट यहाँ पे क्या होगा ये पे सक्सेसफुली कंस्टेंट हो गया। मीन्स आपने जो किया इसके साथ एक इनपुट दिया, वो आउटपुट के साथ क्या हो गया एस्टेब्लिश हो गया टोटली, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप फुट स्टेप बेयरिंग ले सकते हैं, दिस इज योर फुट स्टेप बियरिंग हो गया, क्लियर, फुट स्टेप बियरिंग आपने ले लिया एग्जाम्पल, या आपकी सीरेंज हो गया, सीरेंज हो गई, ठीक है, या आप कह सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, क्लियर। नेक्स्ट आती है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मोशन में क्या होता कि सपोज आप क्या ले लो एक सॉलिड एंड होलो शाफ्ट लिया, हमने क्या लिया एक आपके पास क्या, हमने दो शाफ्ट लिया, दिस इज योर होलो शाफ्ट वन, होलो शाफ्ट वन हो गया। अब आपने क्या किया इसी के अंदर दूसरी शाफ्ट ले ली, एक और दूसरी शाफ्ट आप ले ली, सर्कुलर शाफ्ट, शाफ्ट तो सर्कुलर होती है, दिस इज योर ऑल्सो, ये हो गई शाफ्ट आपके पास में क्या हो गई टू हो गई। अब क्या करोगे आप इसे एक इनपुट दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, और एक और दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या ले लेगा ये सेकेंड इनपुट ले लेगा, तो क्या होगा इसमें आपके दो मोशन मिलने इनकम्प्लीट कि आपकी ये क्या करेगी स्लाइड भी करेगी शाफ्ट टू क्या करेगी। अगर हमें शाफ्ट टू को देखते हैं, शाफ्ट टू क्या करेगी आपकी स्लाइड करेगी, एंड क्या करेगी स्लाइड एंड रोटेट, रोटेशन दोनों का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा इनकम्प्लीट सस्टेंड, मीन्स आप इसको क्या दे रहे हैं और इससे क्या आपको जनरेट रहा है, मीन्स आप इसको दे क्या रहे हैं। अगर आपने इसको क्या किया इनपुट स्लाइडर दिया, अगर हम इनपुट की बात करें आपने स्लाइडिंग दिया, लेकिन स्लाइडिंग के साथ आपको क्या मिल जाएगा रोटेशन मिल जाएगा, या आप रोटेशन दे रहे हो तो आपको ये बॉडी क्या करेगी स्लाइड करेगी। इसी को हमें क्या करना पड़ता है रोकने के लिए, कंस्ट्रेंट करने के लिए रिफिट्स के यूज करने पड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आपको ये बताई गई है ये वाली कंडीशन बन जाएगी। क्लियर हो गया, आई थिंक आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। देन आता है डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं टाइप क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट होंगे। तो फर्स्ट पोल क्या होता है आपका, यहाँ पर हम लोग जानते हैं जैसे कि बाइनरी जॉइंट, दिस इज योर बाइनरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट सभी जानते हैं क्या होता है, कहीं दो लिंक के बीच में बाइनरी जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो गया आपका स्लाइडर हो गया, ये एक इस तरीके से जॉइंट हो गया, दो लिंक है यहाँ पर। अब इस तरीके के बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, देखो ये रहा आपका स्लाइडर, ये भी क्या सिलेंडर के बीच में बाइनरी जॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, लिंक वन दिस इज लिंक टू, दिस इज लिंक वन दिस इज लिंक टू, दिस इज वन एंड दिस इज टू, तो यहाँ पे सब क्या है ये बाइनरी जॉइंट है, क्लियर। सेकेंड आपको मालूम है टर्नरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट सभी को पता होंगे इतना पढ़ ही चुके हैं जब आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम भी आपको बताएंगे डोंट वरी। वन टू थ्री, तो यहाँ पर हो गया वन टू थ्री हो गया। अब ए आप सभी जानते हैं कि ए वन टर्नरी इज इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस ऑफ बाइनरी होता है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। वन टर्नरी यानी कि इस टर्नरी जॉइंट में अगर हम देख भी सकते हैं, जो लोग स्टूडेंट न्यू है उनको थोड़ा हो रहा होगा, देखो अगर इसको हम यहाँ पे इसको अलग कर दें बेटा यहाँ आके देखो, तो एक जॉइंट ये है, दूसरा जॉइंट अगर ये लिंक वन है और टू है, फिर ये टू लिंक के साथ में क्या है ये थ्री है,
ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो ये लिंक यहाँ पे। तो अब देखो एक ज्वाइंट ये रहा बाइनरी, एक ये रहा, इसलिए यहाँ पे क्या किया, एक टर्नरी में दो बाइनरी ज्वाइंट होते हैं। क्लियर क्लियर? तो भाई बता दिया करो भाई, एक लाइक प्रेस कर दिया करो, हमें भी यकीन हो जाए कि क्लियर है। थर्ड आता है आपका कौन सा, क्वाटरी ज्वाइंट, क्वाटरी ज्वाइंट। क्वाटरी ज्वाइंट में क्या होता है आपका, इस तरीके से ज्वाइंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट, वन लिंक, टू लिंक, थ्री लिंक, फोर लिंक। क्लियर? फोर लिंक में क्या होता है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्वाटरी इज इक्वल टू थ्री ऑफ बाइनरी होता है, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में क्या करेगा, आपको हेल्प हो ज्यादा करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो अभी के लिए सेशन यहीं पे हम कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट सेशन के लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है जल्दी हम इसको डालेंगे। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा लाइक शेयर कर दो, इसमें तो आपको कुछ नहीं आता है, तो आप लाइक कर लीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में क्या करें, हमारे चैनल को शेयर करें। और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो सब्सक्राइब कर लें। और बाकी आपको पता ही, जैसा कि मैंने फर्स्ट पेज पर इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप क्या है हमारा, गेट मैकेनिकल मैकेनिकल एग्जाम टाइम। क्लियर? यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि नेट अपस्टेट या जो भी आपको क्वेश्चन डाउट है या आपको पीडीएफ है इसके लिए, वो सब वहाँ पे अवेलेबल इजिली हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कंटिन्यू करिए आप मुझे वॉच करना और ज्यादा से सबको शेयर करिए। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।